हाय लीडर्स ऑफ यू ऑल, सबसे पहले आप सबको बहुत 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 बधाई कि आज इनकॉर्पोरेशन हुए ओके लाइफ केयर को 4 साल हो गए हैं। 2 नवंबर 2016 को ओके लाइफ केयर इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और ये बहुत अहम भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस 4 साल में हमने बहुत चीज़ें देखी हैं। जब हम शुरू हुए थे तो लोग बोलते थे कि ऐसी कंपनी है, डीके सहारन जी हैं, नेटवर्कर की कंपनी है, चलेगी नहीं, 6 महीने नहीं चलेगी, 3 महीने नहीं चलेगी, 2 महीने नहीं चलेगी, अगले महीने नहीं चलेगी। ये सुनते 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 बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि आप रिएक्ट क्यों नहीं करते, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जवाब क्यों नहीं देते हो। मैंने एक ही चीज़ बोली कि बैट्समैन सहवाग भी बहुत अच्छा है, बैट्समैन गांगुली भी बहुत अच्छा था, बैट्समैन युवराज भी बहुत अच्छा था, कांबली बहुत ही शानदार बैट्समैन था और उसी कांबली के साथ सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा बैट्समैन था। एक समय ऐसा लगता था जैसे कांबली इज मोर टैलेंटेड देन सचिन तेंदुलकर, पर अच्छी चीज़ क्या थी कि सचिन तेंदुलकर के पास एक एटीट्यूड था, उसने लोगों को जवाब देने के बजाय बैट से जवाब दिया, यानी कि उसका काम बोला, उसको नहीं बोलना पड़ा। तो इसलिए मैंने कभी किसी को कहा नहीं, कुछ लोगों ने कुछ कहा, कुछ लोगों ने कुछ कहा, हम सुनते गए सुनते गए सुनते गए और काम करते गए, क्योंकि हमें पता था अगर जवाब देना है तो काम से देना है। ये 4 साल और इस 4 साल की आप लोगों की मेहनत ने, आप लोगों के डेडिकेशन ने, आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों के स्नेह ने, आप लोगों के भरोसे ने, आप लोगों के विश्वास ने एक ऐसा सफ़र तय करा दिया जिसको तय करने में लोगों को 10, 12, 15 साल लग जाते हैं। सबसे पहले पूरे इंडिया में प्रेजेंस कराने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। दूसरा, प्रोडक्ट्स को इतना इंडियन मार्केट में एक्सेप्ट कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हम लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि हमें प्रोडक्ट अवेलेबल कराने हैं। हम जितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराते चले जाते हैं उतनी हमारी सेल बढ़ती चली जाती है। तो उस ट्रस्ट के लिए, उस भरोसे के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये 4 साल में 40 लाख का पे आउट बना, बहुत सारे लोग 20 लाख से, 10 लाख से, 5 लाख से ऊपर गए, उन सब लोगों की मेहनत का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग आज 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख का पे आउट बना रहे हैं, उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 का चेक बना रहे हैं, उन लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन लोगों की इनकम बनती है, यानी कि वो सेल कर रहे हैं, तो सेल करने के लिए उन सबका बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने आज तक हमारे सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ किए हैं और वो लगातार उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। ये एनिवर्सरी मंथ है इनकॉर्पोरेशन का, लेकिन मेरा मानना यह है कि हम एनिवर्सरी हमेशा सेलिब्रेट करते हैं जनवरी में। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका इनकॉर्पोरेशन मंथ तो नवंबर है, आप जनवरी में क्यों सेलिब्रेट करते हैं अपनी एनिवर्सरी को? तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, ये वो महीना है जिस महीने में कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी। जनवरी वो महीना है जिस महीने में लोगों के पे आउट जाना शुरू हुए थे। तो कंपनी सबकी है और उसी दिन से उसको सेलिब्रेट करेंगे जिस दिन इस कंपनी ने सबको देना चालू किया था, जिस दिन से इस कंपनी से लोगों ने कमाना चालू किया था, यानी कि जनवरी मंथ। तो हम एनिवर्सरी मनाते जनवरी में हैं, सेलिब्रेशन हम जनवरी में करते हैं, लेकिन इनकॉर्पोरेशन मंथ जो है हमारा नवंबर है। आज 4 साल हमें पूरे हो गए। आप सबको इस एनिवर्सरी की, 4th एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक एक उस डायरेक्ट सेलर को शुभकामना जिसने इसको बड़ा बनाने में योगदान दिया, एक एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हर उस लीडर को शुभकामना जिसने यहाँ जी जान शिद्दत से काम किया, उन लोगों को भी शुभकामना जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी शुभकामना है जो हमारे साथ नहीं आए सिर्फ ये सोच के कि लोगों ने उन्हें बोला था पता नहीं 3 महीने चलेगी, 6 महीने चलेगी, उन्होंने लोगों की बातों पर ट्रस्ट किया और आज मुझे यकीन है वो लोग कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे यार ऐसे लोगों की बातों पर क्यों भरोसा कर लिया। 4 साल
पहले साल कंपनी को नहीं कह सकते हो, दूसरे साल कंपनी को नहीं कह सकते हो, तीसरे साल कंपनी को नहीं कह सकते हो, लेकिन 3 ITR के बाद तो गवर्नमेंट भी आपको एक्सेप्ट कर लेती है। 4 साल हो गए, ये 4 साल बेमिसाल रहे हैं। ये 4 साल की जर्नी बहुत मोटिवेट करने वाली रही है। बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं हमें, पहले साल में जो चैलेंजेस आए वो दूसरे में नहीं आने दिए हमने, जो दूसरे में आए वो तीसरे में नहीं आने दिए, जो तीसरे में आए वो उनको चौथे में नहीं आने दिया, और अब जो चौथे में आ रहे हैं उनको पांचवे में नहीं आने देंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये महीना कमबैक का महीना है, ये महीना बड़ी पावर्स के साथ काम करने का महीना है। इस महीने में आपको KSM 66 वापस मिलने वाला है, इस महीने में आपको ग्यानो कॉफ़ी वापस मिलने वाली है, इस महीने में आपको ग्यानो लाइफ वापस मिलने वाला है, इस महीने में एक नया प्रोडक्ट जिनसिंग लॉन्च होने वाला है जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है, इस महीने में आपका और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, ब्रेव किड्स वापस आने वाला है। तो इस महीने में आपके जितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स जो हमने रीपैकिंग के लिए कुछ समय के लिए होल्ड कर लिए थे क्योंकि उनकी नई पैकिंग आनी थी, वो सारे प्रोडक्ट इस महीने आने वाले हैं। यानी कि एनिवर्सरी मंथ आपका बहुत शानदार महीना होने वाला है, एनिवर्सरी मंथ आपका बहुत बिंदास महीना होने वाला है, एनिवर्सरी मंथ में आपको नया ऑफिस मिलने वाला है, एनिवर्सरी मंथ में आपको नया मदर वेयर हाउस मिलने वाला है जो कि बहुत बड़ा विशाल और पूरे इंडिया को सप्लाई करने में बहुत सक्षम होने वाला है। यानी कि अगले 5 साल 7 साल तक आपको सप्लाई का कोई चैलेंज नहीं आए, वो इंतजाम हमने इस महीने में कर देना है। आपके बहुत सारे वेयर हाउसेज ओपन हो गए हैं, बहुत सारे वेयर हाउसेज की सप्लाई और बढ़ने वाली है। यानी कि ये महीना सही मायने में एक ऐसा महीना है जिस महीने में आपके जो चौथे साल में जो चैलेंजेस चल रहे थे वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, अब 5वें साल के नए तरह के चैलेंजेस आएंगे और उनको हमें फेस करना है। चौथे साल में जो जो चैलेंजेस आए हैं, मुझे उम्मीद है इस महीने में और अगले महीने में हम उन सारे चैलेंजेस को क्रॉस करने वाले हैं। ये चैलेंजेस इस साल में नहीं आने वाले हैं, इस साल के चैलेंजेस नहीं होने वाले हैं, इस साल के चैलेंजेस अलग तरह के होने वाले हैं, इस साल के चैलेंजेस नायाब होने वाले हैं। और हमारा एक चीज़ का मानना है कि जैसे भी चैलेंजेस हों, जिस भी तरह के चैलेंजेस हों, उन चैलेंजेस को क्रॉस करना हमें आता है, उन चैलेंजेस से पार पाना हमें आता है, उन चैलेंजेस से पार पाते पाते ही हम यहाँ तक आए। आज 40 लाख रुपए महीने का पे आउट हो, 35 लाख रुपए महीने का पे आउट हो, बड़े बड़े मार्केट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर आज मैं बात करना चाहूँगा, मैं आज उन चीज़ों पर बात करना चाहूँगा जो चीज़ें मैं 5वें साल में उम्मीद करता हूँ कि हम लोग परफॉर्म करेंगे। 5वें साल में हम लोग न्यूट्रा की एक नई रेंज, एक ऐसी रेंज जिसमें आपको बहुत अच्छी ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, कैप्सूल्स के अंदर आपको ओके लाइफ केयर की ब्रांडिंग के साथ, ओके लाइफ की ब्रांडिंग के साथ कैप्सूल्स इस महीने से मिलना शुरू हो जाएंगे, तो वो एक बड़ी चीज़ है। बहुत 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 बड़ा एक ब्रांडिंग सेशन है, हम लोग एक नई पैकेजिंग और लॉन्च करने जा रहे हैं कैप्सूल्स और टेबलेट्स के लिए जो कि बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आने वाली है। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ ब्रेव किड, एक बड़ी रेंज, बट ऑब्वियस बड़ी रेंज है, पैटा अप्रूव्ड रेंज है जो कि बहुत खास बनाती है हमें किड सेगमेंट के अंदर, चाइल्ड सेगमेंट के अंदर। और उसके बाद बेवरेजेस पे हम लोग आने वाले हैं क्योंकि ब्रेन के लिए ड्रिंक, हार्ट के लिए ड्रिंक, लीवर के लिए ड्रिंक, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लेके आने वाले हैं जो छोटे और बड़े हर तरह की चीज़ों में आपके साथ देने वाली हैं। देना मुझे माफी चाहता हूँ, जस्ट अ मिनट, लेट मी उसको बात चले फाइन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का लाइव जो मैं आना चाहता था, क्योंकि अब हम लोग उस पड़ाव पे हैं जहाँ ऑफिस की ओपनिंग होने वाली है, जहाँ नए वेयर हाउस की ओपनिंग होने वाली है, जहाँ आपकी नई लैब की ओपनिंग होने वाली है, जहाँ आपकी नई एक फैक्ट्री की ओपनिंग होने वाली है। ये 5वां साल बहुत कमाल होने वाला है, 5वां साल बेमिसाल नहीं कमाल होने वाला है। आपकी इंडियन टी वापस आ रही है और वो भी 3 ग्रेड में आ रही है। इंडियन टी हमें उम्मीद है हम इस महीने में ले आएंगे वापस, तो ये कमाल होने वाला है। टॉयलेट क्लीनर आने वाला है आपका, फ्लोर क्लीनर आने वाला है आपका,
उसके बाद लिक्विड बार आने वाला है, आपका डिस बार आने वाला है, बहुत सारे प्रोडक्ट। मतलब मुझे लगता है कि जब आप फोर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए जनवरी में जाएंगे, आज का दिन आप याद रखिएगा, उस दिन आपकी जो आज ताकत है इससे दो गुना ताकत हो चुकी होगी। यानी कि हम बात कर रहे हैं नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी कि सिर्फ तीन महीने के अंदर आज जो आपकी ताकत है इसको डबल करने का हम काम करने वाले हैं, वेयर हाउसेस वाइज, क्योंकि वेयर हाउसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे बन रहे हैं और बन ही गए हैं बहुत सारे एरियाज में। आज जबलपुर में अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई है, आज बेंगलोर में अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई है, आज बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने, और जैसे ही हम मदर वेयर हाउस, तो गाइस सबसे बड़ी चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ, आपके जो की लोग हैं इस महीने में हम लोग इकट्ठा होने वाले हैं तीन फेज में, 25,000 से 70,000 के बीच में कमाने वाले लीडर्स दिल्ली में इकट्ठा होने वाले हैं, 70,000 से 2,00,000 के बीच कमाने वाले लीडर्स उत्तराखंड में इकट्ठा होने वाले हैं, और 2,00,000 से ऊपर कमाने वाले लीडर्स हिमाचल में इकट्ठा होने वाले हैं। ये तीनों के तीनों जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, ये तीनों के तीनों जो इवेंट हैं, ये आप लोगों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए खास तौर पर तैयार किए गए। इनमें वो सब एजुकेशन है, इनमें वो सब मोटिवेशन से परे की बातें हैं, वो सब स्किल डेवलप करने वाली बातें हैं जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में सहयोग देंगे। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे परेशान दिखते हैं इस इंडस्ट्री में, जिनके लिए मैं अभी बहुत कुछ करना चाहता हूँ। 4 साल के बाद जो एक चीज़ है जिसपे मैं फोकस बढ़ाना चाहता हूँ, जिसपे मैं काम करना चाहता हूँ, वो है कि इंडियन कंज्यूमर को और एम्पावर करने की ज़रूरत, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को और एम्पावर करने की ज़रूरत है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्वांटिटी के साथ में इसकी रेंज को बढ़ाने की ज़रूरत है, उनके एजुकेशन को राइट करने की ज़रूरत है, कुछ नए ऑफिसेज ओपन करने की ज़रूरत है जिसपे हम लोग बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये 5वां साल कम से कम हमें 5 नए ऑफिस देके जाने वाला है, ओके लाइफ केयर के 5 नए ऑफिस जोनल वाइज। हम लोग साउथ में भी अपना ऑफिस बनाने का प्लान कर रहे हैं, हम लोग महाराष्ट्र में भी एक ऑफिस बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो ऐसे 5 ऑफिसेज हम इस साल में प्लान कर रहे हैं। हमें उम्मीद है इस साल में हम 5 नए ऑफिसेज भी ओपन करेंगे 5वें साल में, यानी कि जनवरी से हम इस ऑफिस के बाद बाकी के ऑफिसेज बनाना शुरू करेंगे, ताकि आप लोगों की अवेलेबिलिटी, आप लोगों के लिए कोई भी कम्युनिकेशन करना, आप लोगों के लिए कुछ भी डिस्कस करना आसान हो जाए, आप अपने ऑफिस में विजिट करें, आपको रोहतक नहीं आना पड़े, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको वहीं पे चीज़ें सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाए। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में, इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये इंडस्ट्री 25 साल से चली आ रही है, और इस 25 साल में हमें भी अब 4 साल हो गए हैं। पिछले 4 साल में इस इंडस्ट्री में कुछ बदलाव आपको देखने को मिले होंगे, वो बदलाव मिले होंगे कि सही प्राइस पे बात होने लगी है, क्वालिटी की बात होने लगी है, R&D की बात होने लगी है, साइंटिफिक फॉर्मुलेशंस की बात होने लगी है, बिजनेस वॉल्यूम की बात होने लगी है, पॉइंट वैल्यू की बात होने लगी है आपकी। कोई कहता है बिजनेस वॉल्यूम कम है ज़्यादा है, कोई कहता है पॉइंट वैल्यू कम है ज़्यादा है, मतलब बहुत सारी बातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं। पर मैं अभी भी देख रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग, हम जिस दिशा में लेके जाना चाहते हैं इंडस्ट्री को, हम जहां ओवर प्राइसिंग के खिलाफ इस इंडस्ट्री को लेके जाना चाहते हैं, राइट प्राइस पे हम इस इंडस्ट्री को लेके जाना चाहते हैं, राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट के साथ इसे लेके जाना चाहते हैं, राइट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेके जाना चाहते हैं, लोगों तक उनकी मेहनत का पैसा, उनके पसीना गिरने से पहले, जमीन पे गिरने से पहले उनके हथेली पे पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में एक चीज़ हमेशा मुझे चैलेंज देती है कि क्या पुराने लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्या वो लोग जो इस इंडस्ट्री को रूल कर रहे हैं सालों से, क्या वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे आज से 4 साल पहले भी कोशिश की थी ये कहने की कि भैया आप कर रहे हो, आप ये हो रहा है, आप इंडस्ट्री को ऐसे मत कीजिए, आप सारी दुनिया को महंगे प्रोडक्ट बेचने में खरीदने में कोई आपत्ति नहीं है, आप क्यों एक नया बदलाव लेके आने की बात कर रहे हैं, आप क्यों मार्जिन्स को गायब करने की बात कर रहे हैं, हाई मार्जिन्स हैं, हाई मार्जिन्स के कारण ये होता है वो होता है। तो
बहुत सारे लोगों को जब मैंने शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने एक सवाल मुझसे पूछा था, वो सवाल ये था कि इतने कम मार्जिन्स के साथ आप सर्वाइव कैसे करोगे। बहुत सारे लोगों ने बोला 6 महीने भी नहीं चल पाओगे, 3 महीने भी नहीं चल पाओगे। और आप लोगों तो आज भी सुन रहे होगे इस तरह की बातें बहुत सुनने को मिल रही होंगी कि ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, आपकी नीयत सही होनी चाहिए, आपका जज्बा सही होना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। मुनाफाखोरी का इरादा त्याग के अगर आप सिर्फ उतना ही कमाने में बिलीव करते हैं जो जायज़ है और ईमानदारी का है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कभी कोई रोक नहीं सकता। चाहे जो मर्जी आपको रोकने की कोशिश करे, चाहे जो मर्जी आपको थकाने की कोशिश करे, चाहे जो मर्जी आपको भरमाने की कोशिश करे, चाहे जो मर्जी आपको बहकाने की कोशिश करे, पर यकीन मानना अगर आपकी नीयत सही है, मुनाफाखोरी से परे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सोच है, आप अपने अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, तो फिर यही होता है जो ओके लाइफ केयर ने 4 साल में किया। ये 4 साल मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे पहला चैलेंज लोगों ने जो उछाला था वो ये था कि नेटवर्कर की कंपनी है चलेगी नहीं, दूसरा ये उछाला था कि प्रोडक्ट नहीं ला पाएंगे, तीसरा ये उछाला कि प्रोडक्ट दे नहीं पाएंगे, चौथा ये उछाला कि ये नहीं हो पाएगा, पांचवा ये बोला पैकिंग अच्छी नहीं होगी, छठा ये बोला क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लोगों ने बोला रेट कम है तो प्रोडक्ट घटिया है। हमने साबित कर दिया रेट कम है लेकिन प्रोडक्ट बाकी मार्केट से बढ़िया है, हमने साबित कर दिया रेट कम है लेकिन पे आउट ज़्यादा है, हमने साबित कर दिया लोगों को जब वो सही तरीके से काम करते हैं तो इनकम आती है। लोगों ने बोला गाड़ियां नहीं दिखाओगे, बहुत सारे लोग 2 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख 3 लाख पे बड़ी बड़ी गाड़ियां लाने की बात करते हैं इस इंडस्ट्री में। मैंने कहा गाड़ियां नहीं होनी चाहिए, लोगों ने कहा गाड़ियां नहीं दिखाओगे तो नए लोगों को मोटिवेट कैसे करोगे, नए लोग चार्ज कैसे होंगे, नए लोग आएंगे कैसे, नए लोग अट्रैक्ट कैसे होंगे, नए लोग बिजनेस कैसे करेंगे। मैंने कहा नहीं करना ऐसा बिजनेस जिसमें लोगों को कमाने के बाद भी उनके हाथ में कुछ नहीं बचे। मैंने 20 साल में हमेशा देखा है कि लोग कमाते हैं, लोग खूब कमाते हैं इस इंडस्ट्री से, लोगों ने बहुत कमाया है अच्छा कमाया है, लेकिन बुरी बात यह है कि उनको ऐसा मोटिवेशन मिला है कि उन्होंने बचाया नहीं है। बहुत अच्छा वाले लोगों को मैं देखता हूँ कि अगली कंपनी में जाके फिर कहते हैं जी खर्चा पानी मिल जाए तो हम काम कर लें। मैं कहता हूँ भैया ये दुर्दशा उस एजुकेशन की है जो आपने ली है। आपने कमाया, आपने बहुत अच्छा कमाया, आपने बहुत अच्छी टीम बनाई, आपने बहुत शानदार काम किया, सब कुछ किया, सब कुछ करने के बाद भी अगर आज आपको किसी कंपनी की टेबल पर बैठ के किसी लीडर के साथ बैठ के ये पूछना पड़ रहा है जी मैं काम कैसे करूं, कैसे शुरू करूं, किस तरीके से शुरू करूं, तो आपने जो एजुकेशन ली थी, आपने जो लाइफस्टाइल अपनाया था वो गलत था, वो एजुकेशन गलत थी। मैं आज 4 साल बाद बड़े गर्व के साथ एक लाइन कहता हूं कि हमारी कंपनी में जो लीडर्स कमा रहे हैं, जो लीडर्स आज कर रहे हैं, जो लीडर्स आज पे आउट बना रहे हैं, उनमें से किसी को कभी भी ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं घर नहीं बना पाया, मैं अच्छा बच्चों को पढ़ा नहीं पाया, मैं अच्छा इंश्योरेंस नहीं करा पाया अपनी फैमिली के लिए, मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, मेरे पास एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं था, मेरे पास जनरल इंश्योरेंस नहीं था, ऐसा कभी सुनने को नहीं मिलेगा। क्योंकि हम हमेशा एक एजुकेशन देते हैं कि गाड़ियां बाद में, सोसेबाजी बाद में, दिखावा बाद में, पहले आपके घर की ज़रूरतें पूरा करो। आपको गाड़ी लेने से पहले अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना ज़रूरी है, अपने लिए घर बनाना ज़रूरी है। और यही कारण है कि मैं आज आपको एक और बड़ी बात कर रहा हूँ, 2020 के अंदर मैं बोल रहा हूँ, 2025 में इंडिया में सबसे ज़्यादा घर बनाने वाले लीडर्स, सबसे ज़्यादा घर बनाने वाले 5 साल के दौरान सबसे ज़्यादा घर बनाने वाले लीडर्स ओके लाइफ केयर के होने वाले हैं। आज मैं बड़े इत्मीनान और दावे के साथ बात कर रहा हूँ कि ये 5वां साल घरों के नाम होने वाला है। इस 5वें साल में ना जाने कितने लोग अपने घर बनाने वाले हैं, ना जाने कितने लीडर्स के घर बनने वाले हैं। मैं आज फिर बात कर रहा हूँ, मैं गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आती गाड़ियाँ, मुझे हमेशा समझ में आता आपको गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं आप लीजिए, लेकिन पहले अपने घर वालों को एक अच्छा घर दीजिए, पहले अपने घर वालों को इंश्योरेंस दीजिए, पहले अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दीजिए, पहले उनके बाकी के चीज़ों का अरेंजमेंट कीजिए। मैं ये नहीं कहता बहुत बड़ा घर होना चाहिए, मैं कहता हूँ छोटा सा घर हो, बहुत छोटा सा घर हो, लेकिन अपना घर हो, छोटा हो बड़ा हो किसी भी लेवल का हो। एक लग्जरी गाड़ी के पैसे, जितने पैसे आप एक लग्जरी गाड़ी पे खर्चते हो उतने खर्चे में भी एक अच्छा घर आ जाता है, तो क्यों जाते हो आप गाड़ी लेने, क्यों जाते हो आप लोन कराने, क्यों नहीं जाते आप अपना एक घर लेने। आपको हमेशा एक सपना दिखाया जाता है कि आप गाड़ी लीजिए, मार्केट में जाएगी, दिखावा होगा, लोगों को पता नहीं क्या लगेगा कि आप क्या कर रहे हो, और
उससे आप इतना कमाने लगोगे कि आपका घर आ जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ सबसे पहले अपना घर लीजिए, क्योंकि किसको दिखाना है, जिसको दिखाना है ना वो आपके अड़ोस में रहता है, पड़ोस में रहता है, वो आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, वो आपके आपकी हकीकत को जानता है, जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हो उसे पता है कि आप क्या कर रहे हो, वो कहेगा बेवकूफ है, गधा है, अपने लिए क्या ले आया, अपने लिए गाड़ी ले आया, बच्चों के लिए घर नहीं बनाया। वो अट्रैक्ट होने के बजाय उल्टा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो आपसे कभी भी अच्छे से बात नहीं करेगा, उसे क्या कहेगा हवाबाज है, दिखावे में रहता है, इसको सोसेबाजी में ही मजा आता है, जो मर्जी करवा लो ये करता है वो करता है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप समझें तो वो ये है कि अगर आप अपने लिए सबसे पहले जैसे ही आप कमाने लगे लग्जरी कार की बजाय घर ले आए, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका पड़ोसी भी आपके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेगा, आपका दोस्त भी आपके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेगा, आपका रिश्तेदार भी आपके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेगा। वो आपकी गाड़ी को देख के अट्रैक्ट नहीं होंगे, वह ये देखेंगे कि इसने घर बना लिया, अरे वाह बहुत बढ़िया किया, इतनी सी उम्र में इसने अपने लिए घर बना लिया, अरे वाह इतने सालों में कुछ नहीं कर पाया था, इस कंपनी में आके इसने इतने दिन में घर बना लिया। ये फीलिंग जब जाएगी ना तो आपको डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय नहीं करना पड़ेगा। आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके चौक में, आपके गांव में, आपके शहर में आपकी नेटवर्क मार्केटिंग चलना शुरू हो जाएगी, आपकी टीमें चलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है, यही बेस्ट तरीका है। मैं आज 4th एनिवर्सरी पे सिर्फ एक कमिटमेंट करना चाहता हूँ और आप लोगों से लेना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कमिटमेंट करें कि आप लग्जरी की तरफ दौड़ने से पहले अपने लिए घर बनाएंगे, ताकि आपके साथ रहने वाले लोग आपको सबसे पहले तो एक समझदार इंसान बोले कि यार बहुत बढ़िया आदमी है, इसने पहले गाड़ी नहीं ली, इसने अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए सिक्योरिटी की तरफ गया, इसने उनका इंश्योरेंस कराया, अच्छी एजुकेशन दी। एक कमिटमेंट, सिर्फ एक कमिटमेंट मांगता हूँ बॉस, लग्जरी गाड़ी लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, लीजिए। जब आप घर बना लें, जब आपके इंश्योरेंस हो जाएं, बच्चे अच्छे एजुकेशन ले रहे हों और उसके बाद भी आप इतना कमा रहे हों कि आप लग्जरी कार की इंस्टॉलमेंट्स पे करने में सक्षम हों, अपनी सेविंग्स, एक मंथली सेविंग्स निकालने के बाद आप उसमें सक्षम हों, लीजिए, अच्छी लाइफ जीना बहुत अच्छी बात है, बट वो प्रायोरिटी नहीं हो सकती। लग्जरी इज नॉट ए प्रायोरिटी, प्रायोरिटी और लग्जरी में अंतर होता है, नेसेसरी और लग्जरी में अंतर होता है। जब तक आप प्रायोरिटी वाली चीज़ें नहीं करेंगे, आप अपने लिए घर नहीं बनाएंगे, एक अच्छा सोफ़ा नहीं लेंगे, अच्छा ड्राइंग रूम नहीं बनाएंगे, ये सब कुछ नहीं करेंगे, तब तक आप प्लीज़ गाड़ी मत लीजिए। आप छोटा घर बनाइए, हो सकता है आपको छोटा घर पसंद आता हो, आप छोटा घर बनाइए, आपको बड़ा घर पसंद आता हो आप बड़ा घर बनाइए, लेकिन पहले अपनी फैमिली के लिए घर बनाइए, फिर आप गाड़ियों की दौड़ में शामिल होना चाहते हो जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और यही मैं कहना चाहता हूं कि 2021 इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा घर बनाने वाले लीडर्स ओके लाइफ केयर में होने वाले हैं। इंडस्ट्री को सही सोच देने की बात मेरी बहुत बार अभी भी बात होती है। कल ही कोई मेरे से मिलने आया हुआ था, ट्रेडिशनल मार्केट का एक टाइकून, एक अच्छा बिजनेस हाउस। वो बोला जी आप इतने सिंपली बैठे हो और बहुत शांति से बैठे हो, लोअर टी शर्ट में बैठे हो, ये डायरेक्ट सेलिंग वाले, MLM वाले, ये तो बहुत फूफा सोसेबाजी करते हैं, मैं 2-4 दोस्तों को जानता हूँ, वो तो पता नहीं क्या क्या दिखावा करते हैं, तो आपका काम कैसे चलता है? तो मैंने एक ही लाइन बोला, सर जिसका काम सच्चा हो उसे दिखावे की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ओवर प्राइस बेचते ही नहीं है। हमारे प्रोडक्ट का जब मैंने उसे रेट बताया तो उसने कहा नहीं सर मुझे लगता है कि इंडिया में अब डायरेक्ट सेलिंग का समय आ गया है, फिर क्योंकि आज तक जो डायरेक्ट सेलिंग होती रही इंडिया में वो तो ऐसी होती नहीं। जो आप मुझे बता रहे हो इस रेट पे आप साबुन बेच रहे हो, इस रेट में आपका ये जा रहा है, इस रेट में आपका ये है, ये है, ये है, तो ऐसे में तो ये तो कभी था ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग में। उसने मुझे कहा सर अब आपकी इंडस्ट्री का इसका मतलब समय आने वाला है, आप फिर बदलाव ले आए हैं। जब एक आम आदमी जो अच्छा बिजनेसमैन है वो आपके कॉन्सेप्ट के बारे में इतनी मिस अंडरस्टैंडिंग रखता है, वो आपके डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग रखता है, ये तो फूफा वाले हैं, ये तो हवाबाजी करते हैं, और वो जब आपको आके देखता है और वो कहता है नहीं सर अगर आप पैसा कर रहे हो तो फिर बहुत सही है, फिर ये डायरेक्ट सेलिंग बदलने वाली है, फिर ये इंडस्ट्री बदलने वाली है, तो ये इंडस्ट्री बदलने वाली है मेरे दोस्त। और इस इंडस्ट्री को बदलने का क्रेडिट कभी भी ये इतिहास लिखा जाएगा तो हम ओके लाइफ केयर वालों के नाम होगा। इस इंडस्ट्री को जब भी बदलने की बात होगी तो वो हम लोगों के सिर सहरा बंधेगा। और याद रखना उस दिन इस इंडस्ट्री वालों के लिए हम बहुत पूजनीय होंगे, हम बहुत आदरणीय होंगे, हम बहुत माननीय होंगे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसने बनाया ये ज़रूरी नहीं है, कैसा बनाया
ये जरूरी है। क्या सोच के बनाया ये जरूरी नहीं है, क्या किया ये जरूरी है। एंड बिलीव मी, आज मैं कोई ऑफर नहीं अनाउंस करने वाला हूं, आज मैं कोई ऐसी चीज नहीं कहने वाला हूं, क्योंकि आज लोग बोलेंगे कि एनिवर्सरी का दिन था, ऑफर सबको खुश कर दिया। मैं आज खुश करने वाला नहीं हूं, मैं आज सिर्फ अपनी भावनाएं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आज मैं आप लोगों से कमिटमेंट मांगने आया हूं, क्या आप मुझे कमिटमेंट देते हो कि आप शोसेबाजी से दूर हटके, दिखावे से दूर हटके, सबसे पहले अपने परिवार की जरूरी चीजों को करना शुरू करेंगे 2021 में। मैं आपसे कमिटमेंट मांगता हूं, ये पांचवा साल जब हम इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो क्या हम अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस कराएंगे, क्या हम हमारी फैमिली के लिए अच्छे स्कूल में अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करेंगे, क्या हम अच्छा घर बनाएंगे। यस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और यही इस इंडस्ट्री को बदलेगा। जब हम बदलेंगे तो हिंदुस्तान बदलेगा, जब हम बदलेंगे तो सब बदलेंगे। आगे बढ़िए, आगे आगे आगे, इस सोच के परचम को लेके आगे बढ़िए, इस सोच के साथ आगे बढ़िए। और मैं अब आपके साथ एक चीज़ और शेयर करने जा रहा हूँ। 11 तारीख को ऑफिस की हम लोग ओपनिंग करने जा रहे हैं, इसी 11 को, ठीक आज से 9 दिन बाद 11 तारीख को हम लोग ओपनिंग करने जा रहे हैं। तो पहली चीज आप लोगों को जो मैं कहना चाहता था वो ये है, और दूसरी चीज जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, इसी महीने हम लोग 20 तारीख से पहले पहले वेयर हाउस, मदर वेयर हाउस की ओपनिंग करने जा रहे हैं। दो ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा एक अच्छा मदर वेयर हाउस बनाया है। 20 तारीख से पहले जो भी डेट आएगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और 11 तारीख को हमारी नए हेड ऑफिस की ओपनिंग है। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे मेरी तरह, और मुझे ये भी यकीन है कि आप भी उतने ही कमिटेड होंगे जितना कमिटेड मैं हूं। जनवरी करीब आने वाली है, एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन अगर परमात्मा ने चाहा तो वैसा ही करेंगे जैसा हमेशा करते आए हैं। कोविड के कारण अगर कोई चैलेंजेस रहेंगे तो उसकी अगले महीने में दिसंबर में प्लानिंग की जाएगी कि किस तरीके से करना है, कैसे करना है। पर मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि आप लोग सिर झुकने नहीं दोगे, पैर थकने नहीं दोगे, आगे बढ़ोगे इस एजेंडे के साथ, इस इंडस्ट्री को बदलने के लिए, इस इंडस्ट्री में बदलाव लाने के लिए। राइट प्राइस पे आपने बहुत कमाल का काम किया है, वैल्यू फॉर मनी पे आपने बहुत कमाल का काम किया है, रैंक के खिलाफ आपने बहुत कमाल का काम किया है, बल्क सेल के खिलाफ आपने बहुत कमाल का काम किया है। अब ज़रूरत है इन्हीं एथिक्स के साथ आगे बढ़ते हुए कार वर्सेस हाउस में हाउस को जिताने की। अब ज़रूरत है लग्जरी आइटम्स वर्सेस नेसेसरी आइटम्स में नेसेसरी आइटम्स को जिताने के। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में लग्जरी भी आएगी, पर लग्जरी का मजा तब है जब लग्जरी से पहले नेसेसरी सब कुछ आपके पास हो। विश यू ऑल द बेस्ट, ये 4 साल आप लोगों के साथ कमाल गुजरे हैं, और मुझे उम्मीद है आने वाले सालों में हम लोग इस एसोसिएशन को और मजबूत बनाएंगे, एक एक दिन एक कमिटमेंट लेवल के साथ काम करेंगे, हम लोग अपनी जी जान झोंक के काम करेंगे, हम लोग हर उस अपने के लिए काम करेंगे जिसको हम इस बिजनेस में लेके आए हैं। जब तक काम करेंगे तब तक वो कामयाब नहीं हो जाता, जब तक उसको हम सक्सेसफुल नहीं बना देते। हमारा काम मेहनत है, और मैं हमेशा कहता हूँ बगैर मेहनत किए कुछ भी हासिल नहीं होता। ड्रीम्स आर नथिंग इफ यू आर नॉट वर्किंग फॉर देम, ड्रीम्स आर नथिंग इफ यू आर नॉट वर्किंग फॉर दोस। अगर आप उनके लिए काम ही नहीं कर रहे हैं तो सपने कुछ नहीं है, और मैं कहता हूं सपने देखने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो जो सपने आपने कभी देखे नहीं होंगे वो सारे पूरे हो जाते हैं। तो सक्सेस जो है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती आपने कितना बड़ा सपना देखा, सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है आपने कितने सैक्रिफाइसेस किए, कितने चैलेंजेस झेले, और कितने चैलेंजेस झेलने के बाद भी रुकने से, थकने से, हारने से मना कर दिया। हजारों बार गिर के फिर उठने वाले ताज पहनते हैं। हारने से मना करने वाले लोग ही जीतने का हक रखते हैं। सिर्फ ख्वाब देखना काफी नहीं है, आप क्या डिजर्व करते हैं ये आपकी डिजायर से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपके डिज़ायर क्या है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप क्या डिजर्व करते हो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, जब आप दूसरों के लिए काम करना शुरू करेंगे ना, तो ये 4th anniversary, 5th anniversary, 6th anniversary जिस हर्ष और उल्लास के साथ बनेगी, जिस एक्साइटमेंट लेवल के साथ बनेगी, वो जो सेटिस्फैक्शन हम लोगों को आएगा वो कहीं और नहीं आ सकता। मैं आप लोगों से, दिवाली आने वाली है, दशहरा अभी अभी बीता है और हम लोग इन त्योहारों के बीच में आते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ बुराई पे अच्छाई का समय है। ये जिस महीने में ओके लाइफ केयर बनी है ना, ये महीना बुराई पे अच्छाई की विजय का महीना है और ये 4 साल में मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग हर बुराई पे जीत हासिल करेंगे। हम सच्चाई के साथ चलेंगे, हम सही तरीके से चलेंगे, सही सोच के साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए आते हैं, उल्टी सीधी बातें करने के लिए आते हैं, पर दम उनमें होता है जो अपनी बात करते हैं, दम उनमें होता है जो अपनों की बात करते हैं, दम उनमें होता है जो सही बात करते हैं, दम उनमें होता है जिनमें ये कहने का जिगरा होता है लग्जरी नहीं भैया घर, दम उनमें होता है बल्क सेल नहीं भैया नेचुरल सेल एक एक सेल, दम उनमें होता है जो कहता है लाख रुपए की सेल नहीं, रैंक बेस सेल नहीं, 2000 की सेल, 500 की सेल, 1000 की सेल, जितना तुम्हारे घर में लगता है उतना सामान खरीदो ना, बाकी खरीदने की जरूरत ही नहीं है। और जब आप में ये दम पैदा हो जाएगा ना, आपके चेक को कोई हिला नहीं सकता, आपके चेक को कोई गिरा नहीं सकता, आपका चेक बड़ा होगा। और मैं हमेशा कहता हूँ बैड वर्सेस गुड में हमेशा गुड ही जीतता है, कार वर्सेस हाउस में हमेशा हाउस ही जीतेगा, हमेशा। तो गाइस, आप सबको 4th anniversary की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मिस कर रहा हूँ आप सबको, बहुत बहुत मिस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। इस दिन को मनाने का जो मज़ा है वो अकेले मनाने का बिल्कुल नहीं है। मुझे उम्मीद है हम लोग बहुत जल्दी इकट्ठा होंगे जनवरी में, जैसे हम मनाते थे, अगर सब कुछ सही रहा तो इस बार फिर इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि इस बार आप लोगों की अचीवमेंट्स हकीकत में काबिल तारीफ हैं। और मुझे उम्मीद है कि 5वां साल हम लोग बाकमाल मनाने वाले हैं, बेमिसाल मनाने वाले हैं, और ऐसा मनाने वाले हैं कि 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल सारी पुरानी कंपनियां याद करेंगी कि ओके लाइफ केयर ने लोगों की लाइफ में वो चेंजेस लेके आई, वो इंडस्ट्री में वो चेंजेस लेके आई, यहाँ के लोगों ने सोचने का नज़रिया बदला, दिखावे से परे हकीकत के करीब लाके इस इंडस्ट्री को खड़ा करने का काम करने वाले हैं हम लोग। आप लोगों की बहुत सपोर्ट चाहिएगी, आप लोगों का बहुत डेडिकेशन चाहिएगा, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का अपनापन, आप लोगों का सहयोग जैसे 4 साल से मिलता है बिल्कुल वैसे ही चाहिएगा। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।